लीजिए सर आपकी चाय। अरे बहन तू यहाँ पे चाय बेच रही है? कौन बहन और किसकी बहन, मैं तुम्हें नहीं जानती। अच्छा तू अपने भाई को भी नहीं जानती? लेकिन मेरा तो कोई भाई नहीं है। ये क्या बकवास कर रही है तू? और मेरे को ये बता तू यहाँ पे चाय क्यों बेच रही है? हाँ तो और क्या करती मैं, आप लोगों ने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मुझे तो अपने लिए कुछ करना ही था ना। हमने बाहर निकाल दिया? अरे हमने कब बाहर निकाला तुझे घर से? ये बात ना भाभी से जाके पूछो, जिन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाऊंगी और कहाँ रहूंगी। अरे क्या बकवास कर रही है तू, और वो क्यों बाहर निकालेगी तुझे? भाभी जितनी शरीफ दिखती है ना उतनी है नहीं, वो तो बस मौका ही तलाशती थी कि कैसे न कैसे करके मुझे डांटे और घर से बाहर निकाल दे। और जब आप ऑफिस के काम से बाहर गए तो भाभी ने सही मौका देख के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने भाभी को बहुत समझाया पर उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। कहाँ का परिवार, कौन सा परिवार, देख लिया मैंने परिवार क्या होता है। और अब तो मैं यकीन भी कर चुकी हूँ कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। पर वो तो बोल रही थी कि तू गांव गई हुई है चाची के पास। हाँ हाँ भैया, अब तो आपने देख ही लिया होगा कि मैं कौन से गांव में हूँ। आपका भी सही है, आपने एक बार भी कोशिश नहीं की मेरा पता लगाने की कि मैं कहाँ पे हूँ, कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ। ऐसी बात नहीं है, मैंने तुझे बहुत बार कॉल किया था पर तुमने फोन ही नहीं उठाया मेरा। हाँ तो क्यों उठाती मैं आपका फोन, जिस परिवार ने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, क्यों रिश्ता रखूं मैं उनसे। भैया आप ही सोचो ना, जिस बहन का भाई इतना अमीर हो उस बहन को आज सड़कों पर दर दर भटकना पड़ रहा है। देख बहन तुझे कोई गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा कि तू मुझसे दूर हो। अगर उसने ऐसा किया है ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भैया कुछ नहीं होने वाला, ठीक है आप छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे और जाओ यहाँ से। ये क्या बकवास कर रही है तू चल मेरे साथ, बैठ गाड़ी में। दिव्या मुस्कान कहाँ है? वो मैंने आपको बताया तो था, वो गांव गई हुई है चाची के पास। अगर मुस्कान गांव गई हुई है तो फिर ये कौन है? मुस्कान वो प्रदीप, मैं आपको बता, मुझसे झूठ बोला कि मेरी बहन गांव गई हुई है और ये मुझे सड़कों पे भटकती हुई मिली है। अरे मैं इतना पागल था, तुमसे इतना प्यार करता था कि तुम्हारी बातों में आ गया। मैंने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि मेरी बहन कहाँ है। तुम्हें पता है ना मैं मेरी बहन से कितना प्यार करता हूँ, फिर तुमने क्यों किया इसके साथ ऐसा? क्योंकि प्रदीप ये तुम पे बोझ बनी हुई थी, तुम्हारे सारे के सारे पैसे ऐसे ही हवा में उड़ा देती थी, इसलिए मैंने इसे थक हार के घर से बाहर निकाल दिया। अरे मेरे पैसे हैं, मेरी मर्जी है, मैं किसी पे भी खर्च करूं, और ये मेरी बहन है और बहन कभी भी भाइयों पे बोझ नहीं बनती। और ये बोझ की बात आई कहां से, जितना इस घर पे हक मेरा है ना उतना इसका भी है। तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, तुमने मेरी बहन को घर से बाहर निकाला था ना। अब एक काम कर, अपना सामान उठा और निकल यहाँ से। नहीं नहीं प्रदीप सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आगे से कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगी। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, निकल यहाँ से। नहीं भैया प्लीज रहने दो, भाभी को घर से बाहर मत निकालो, इसी वजह से मैं आपको बताना नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हो और आपका घर बर्बाद हो। हाँ प्रदीप बस मुझे इस बार माफ कर दो, मैं आगे से कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी, और मैं कहाँ जाऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। भैया प्लीज भाभी को माफ कर दो। देख रही हो तुमने इसके साथ इतना बुरा सलूक किया, फिर भी ये तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोच रही है, इसी की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगर दोबारा ऐसी गलती की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। I'm sorry दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं भाभी,